धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन के हर एक कार्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमें अपने प्रेम अपनी करुणा अपनी दया में बनाए रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करते हैं। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने हर कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम सभी भाइयों और बहनें मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने अंदर की शांति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विनम्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह हाँ हर बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप सब चीज़ों के स्रोता हो। आप महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा प्रभु अपनी प्रार्थना प्रकट करते हैं, क्योंकि आप हमारी सुनने वाले हैं। प्रभु आप हमारे अंदर अपनी सच्ची शांति देते हो। प्रभु हमारा बेचैन मन जो हर तरफ की कोलाहल से प्रभु विचलित होता है, आपके चरणों में सब कुछ हम समर्पित करते हैं और उस शांति को ग्रहण करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन फिलिप्पियों 2:3-4 में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर जो भी दूसरों के प्रति बुरे विचार है, दूसरे के प्रति कोई बुरी भावना है, हीन भावना है, तो उसे दूर करे, क्योंकि आपका वचन हमें दूसरों की भी चिंता करना सिखाता है, दूसरों की भी हित की बातें कहता है, ताकि हम आपके जैसे महान बन सके और आपके तुल्य हम कार्य कर सके। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो हमारे जीवन को एक महान जीवन, एक बड़ा जीवन बनाया प्रभु, और दूसरों की सहायता मदद की प्रभु, हमें भी ऐसा मन दे कि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के लिए सेवा का कार्य हम कर सके। प्रभु यीशु मसीह, हम इस विनम्रता के भावना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने जो हमारे विनम्रता से जीवन को ऊपर उठाया है, वो भावना हम अपनाते हैं, दूसरों की जरूरतों और चिंताओं को अपने से पहले रखने और यह पहचानने में हमारी मदद करें। यह सच्ची शांति, निस्वार्थता और करुणा आपसे हम सीख सके। आपने जो हमारे लिए जीवन में बड़ा बलिदान दिया, जो त्याग दिया प्रभु यीशु मसीह, हम उसको ग्रहण करते हैं। हम अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और बोझों को आपके सामने रखते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी आराम और ताकत के स्रोता आप ही हो। प्रभु यीशु मसीह, हमें सिखाओ कि हम घमंड और आत्महत्व को छोड़ सके और इसके बजाय अपने प्यार और अनुग्रह को हम में बहने दो प्रभु, ताकि हम भी आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को दूसरों तक पहुंचा सके। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हाँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमारे सभी विचारों को, कार्यों को मार्गदर्शन करे। प्रभु आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपके वचन के गूढ़ रहस्य को हम पे प्रकट करें, ताकि हम इनके बातों को दूसरों को तक पहुंचा सके। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस परेशान भरी दुनिया में आपकी शांति का पात्र बन सके। हमें उन चीज़ों को स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीज़ों को बदलने का साहस दीजिए जिन्हें हम कर सकते हैं, और अंतर जानने की बुद्धि दीजिए। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से परिपूर्ण करें प्रभु, कि हम उन सारी तत्वों को जान सके प्रभु, जो हमारे लिए हितकारी है, और हम दूसरों को भी आपके आशीष और बरकत का बनने का पात्र बने। प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पर सदा बनाए रहे। हाँ प्रभु, आपके वादों पर हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि जैसे ही हम आपके सामने खुद को विनम्र करते हैं, आप उचित समय पर हमें ऊंचा करते हैं। हाँ प्रभु, हमें याद है हर घड़ी हर समय आपने हमारी सहायता मदद की। आपने जो प्रभु हमारे लिए महान कार्य किए, आपने जो हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए प्रभु यीशु मसीह, वो हम फिर से अपने दोबारा से वो हमारे जीवन में आगे हो कार्य करें। हाँ
प्रभु, हमें अपनी शांति से भरे जो सभी समझ से परे है प्रभु यीशु मसीह, आपके अटूट प्रेम और आंतरिक शक्ति, आपकी शांति के उपहार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो शांति प्रभु आज सबके हृदय में हो। आज जितने प्रभु रोग से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है प्रभु, आज जिनको सच्ची शांति की आवश्यकता है, आत्मा की शांति की आवश्यकता है, आज उनके रोग को दूर करके उनको आत्मा की शांति दे प्रभु। उन्निंद्र हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर घड़ी हर समय आप हमारे रक्षा करने वाले हैं, हर घड़ी हमारे खौफ खतरों मुसीबतों से छुड़ाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया सदा बनी रहे, हम आप में और आप हम में सदा बने रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।